नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, साल 2023 चल रहा है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी जारी है। उधर बीजेपी इतने सारे मंथन के बाद ये कह रही है कि एक बार फिर बीजेपी ही सत्ता में आएगी, और इधर मेन फ्रंट थर्ड फ्रंट की तैयारी है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में शामिल हुए हैं हमारे साथ इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये मेन फ्रंट और तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी चले थे विपक्ष को एक करने के लिए, और उन्होंने साफ कर दिया था कि बिना कांग्रेस के विपक्ष के एका और बीजेपी को हराना मुश्किल है। लेकिन ये जो क्षेत्रीय दल है, इनकी मजबूरी ये है कि कई जगह पे इनकी कांग्रेस से ही लड़ाई है। अब जहाँ कांग्रेस से लड़ाई है, जैसे केसीआर हैं, केसीआर की कांग्रेस से वहाँ लड़ाई है, बीजेपी भी अब वहाँ मजबूत हो रही है, तो वो न तो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और न कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। इसी तरीके से यदि आम आदमी पार्टी को देखेंगे, तो दिल्ली में यदि कांग्रेस की ज़मीन कमज़ोर हुई, पंजाब में ज़मीन कमज़ोर हुई, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी आई, और गुजरात में भी उसने एंट्री ले ली, वहाँ पर भी उसने कांग्रेस को ही ज़्यादा डेंट किया। बीजेपी तो रिकॉर्ड मतों से वहाँ पर जीती है। ऐसे ही चाहे पिनराई विजयन का लीजिए या और दलों को लीजिए, तो आप पाएंगे कि इनमें जितने भी दल हैं, उनके अपने अपने राज्यों में अपने अपने इंटरेस्ट है, और कई जगहों पे उनकी कांग्रेस से ही लड़ाई है। तो एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बना करके एक तीसरा मोर्चा तैयार करना चाहिए, और उसकी अगुवाई जो है अब वो केसीआर के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। यही वजह है कि जो केसीआर बिहार गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तेजस्वी से मिलने के लिए, ममता बनर्जी से भी मिले थे, इधर मुंबई भी वो गए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, तेजस्वी को नहीं बुलाया, अखिलेश यादव को बुलाया। अखिलेश यादव को क्यों बुलाया? क्योंकि अखिलेश यादव को भी लगता है कि हमें बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलनी होगी, उसी में हमें फ़ायदा है। इसलिए अखिलेश यादव, जो नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक हो गए थे, वो भी जो है छिटक करके और केसीआर की रैली में पहुंचे, और जब खम्मम की रैली में उन्होंने भीड़ देखी तो उससे काफ़ी गदगद हुए, और उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ हराइए, हम उत्तर प्रदेश में उनको हरा देंगे। तो अखिलेश यादव की मजबूरी अपनी है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की मजबूरी अपनी है, केसीआर की अपनी मजबूरी है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो 2024 की तस्वीर बन रही है या उभरती हुई दिख रही है, उसमें बीजेपी की तो बढ़त यही मिलती हुई दिख रही है कि विपक्ष एक ही नहीं हो पा रहा है। यदि तीसरा मोर्चा बन गया तो बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को पहुंचा रहा है। बिल्कुल, आपने अखिलेश यादव की बात की कि जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बने रहे। कांग्रेस की अभी जो है भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आई, बुलावा भी भेजा गया, लेकिन अखिलेश यादव उसमें नहीं शामिल होते हैं। रैली में वहाँ पे केसीआर की रैली में पहुँच जाते हैं तेलंगाना। देखिए, एक बात जान जाइए, अभी 20 महीने चुनाव को है, आम चुनाव को, और 20 महीने में गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, वैसे भारतीय राजनीति में भी बहुत सारे बदलाव होंगे। अभी पता चल रहा है कि केसीआर तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं, आगे चल करके और कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात तय मानिएगा, विपक्ष को एक करने का मतलब मेंढक को तोड़ना, और अभी तक का इतिहास रहा है, 2-3 बार ये प्रयोग हुआ है, 77 में भी हुआ, 89 में भी हुआ, कि यदि ये एक हो भी जाते हैं तो चल नहीं पाते हैं साथ में। समाजवादियों की एक खास आदत होती है कि बोलते हैं, खूब बोलते हैं, उसमें इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि वो अपने ही सेल्फ गोल कर रहे हैं। तो वो बोलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नतीजा क्या होगा कि वो सरकार नहीं चला पाते हैं। तो पहले तो इनका एका मुश्किल है, और एक होकर के ये लड़े तो जीतना मुश्किल है, और जीत गए तो फिर साथ चलना मुश्किल है। और जिस तरीके से इधर नीतीश कुमार मेन फ्रंट की तैयारी में, राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट और सेकंड फ्रंट क्या है, हम तो मेन फ्रंट पे हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कहे, नीतीश कुमार जितना बुरा फंसे हैं और कोई नहीं फंसा है। नीतीश कुमार तेजस्वी और लालू यादव के साथ जा करके सिर खुजला रहे हैं, और समाधान यात्रा करने निकले। किस बात का समाधान करने के लिए निकले? सिर्फ इसलिए कि इन पचड़ों से मैं दूर रहूँ और लोगों के बीच जाऊँ, पब्लिक का लीडर बनूँ। नीतीश कुमार वहाँ पर अपनी USP खो चुके हैं, और जो लालू यादव साथ गए हैं वहां पे जिस तरीके के झगड़े हैं कि वो तेजस्वी और उनकी पार्टी चाहती है कि 2023 में ही हैंड ओवर दीजिए, और वो हैंड ओवर देने को तैयार नहीं है, वो 2024 का नतीजा देखना चाहते हैं। आप सोचिए, नीतीश कुमार अभी उनको कुर्सी दे देंगे और विपक्षी नेताओं को एक करने के लिए पूरे देश में दौरा करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि मैं भी यात्रा निकालूंगा, तो वहां का उनको बिना मुख्यमंत्री के कहां पे प्रोटोकॉल मिलेगा, कौन उनको पूछेगा? इसलिए नीतीश कुमार बिना सत्ता मिले या बिना कोई कुर्सी मिले सत्ता देने वाले नहीं है, बेशक एक बार फिर से वो अलग हो जाएं।
बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वो बस ख्वाब देख रहे हैं कुर्सी का, उनको कुर्सी की कोई वैकेंसी खाली ही नहीं है 30 सालों तक। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति अब ढलान पे है। बहुत दिनों तक होशियारी कर चुके, 3 तिक्रम कर चुके, 17 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके। हर आदमी का एक समय होता है, उनका समय जाता हुआ सा है। क्यों? क्योंकि तीसरे दल के नेता हैं, 45 आपके पास विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। नैतिक रूप से तो उसी दिन आप कमज़ोर हो गए जब 43 विधायक पे आप जो है मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किए, और उसके बाद से आपको जो ड्रेंट उसके बाद लगा वो तो लगा ही लगा। RJD में एक कैंप ऐसा भी है जिसका मानना ये है कि हम नीतीश के साथ करके कमजोर हुए हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष में थे तो अपने दम पे यदि आते तो कम से कम 5 साल के लिए आते। अब तो जो सरकार की नाकामियां हैं वो RJD के भी खाते में जाएंगी। 10 लाख रोजगार देने का वायदा था नए साल के पहले दिन, जिस तरीके से तेजस्वी को ट्रोल किया गया उन्हीं के ट्वीट पे, उससे उनको अंदाजा लग चुका है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। नौजवानों को जॉब चाहिए और आपके पास जॉब है नहीं, पैसा है नहीं, खजाना खाली है, कहाँ से दे दोगे? तेजस्वी यादव ट्रोल होते हैं, किसानों पर लाठियां चलती हैं, बिहार में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसी बीच आज नीतीश कुमार जिस तरीके से KCR के द्वारा न्योता नहीं भेजा गया, इस पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि उनकी कोई रैली है, और न्योता आया भी होता तो मैं खुद इतने व्यस्त हूँ समाधान यात्रा में। पूछ कौन रहा है? नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है? अभी देखते रहिए, कांग्रेस ही नहीं पूछेगी। कांग्रेस कमलनाथ क्लियर कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार तो जो है राहुल गांधी है। राहुल गांधी की रीब्रांडिंग की जा रही है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा से जो उन्होंने अनुभव लिया है और अपने को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि वो पैदल भी चल सकते हैं, धूप भी सह सकते हैं, सर्दी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो पार्ट टाइम जो है राजनीति नहीं करते हैं, ये साबित करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी मान के चलिए कांग्रेस की तरफ से लीडर हैं और कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करेंगी PM के लिए, तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी? KCR अलग राह ले लिए और कभी भी आम आदमी पार्टी साथ नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी अभी तक कह रही कि हम मोदी के विकल्प बनेंगे, एक बार नहीं कई इंटरव्यू में कहा गया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को पता चलने लगा है कि ऐसे तो हम उनका विकल्प बन नहीं पाएंगे, लिहाजा तीसरे धड़े में, तीसरे मोर्चे में शामिल होकर के ही राजनीति की जा सकती है। तो KCR की रैली में अपने भी गए और भगवंत मान को भी लेके गए। बिल्कुल, तो तीसरा मोर्चा जिस तरीके से तैयार हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के और केरल के, और इधर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, CPI नेता, ये सब लोग एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस तीसरे मोर्चे से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो सकता है? देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, तीसरा मोर्चा बनेगा तो आप सोचिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो अपने को धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं वो किसका वोट काटेंगे, किसको कमज़ोर करेंगे? यदि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि BJP का राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस को आप साथ न लेकर के क्षेत्रीय दल अलग अलग या कुछ क्षेत्रीय दल साथ मिलकर के तीसरे मोर्चे की लड़ाई लड़ते हैं तो कांग्रेस को ज़्यादा डेंट लगेगा रादर देन कि BJP के, पहली बात। दूसरी बात कि ये तीनों अलग अलग लड़ते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो BJP को फिर से ये फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से ये तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, किस तरीके से नीतीश कुमार जो मेन फ्रंट की बात कर रहे हैं उस पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और वो चाहते क्या है, कुर्सी कैसे उनके लिए प्रिय है। तो भैया, ये राजनीति है गिरगिट की तरह, कौन कब किधर पलट जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि अगर तीसरा मोर्चा तैयार होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा BJP को होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।